हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग द डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज दीपावली जो कि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो आपको इस त्यौहार की सब दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये त्यौहार मंगल में हो, प्लीज़ आप इस त्यौहार को दिल से इंजॉय करना। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली अपना कल ब्लॉग नहीं आया तो उसका कारण ये था कि मेरे को कल कोई अर्जेंट वर्क हो गया था, तो उसको करने के लिए मैं घर से बाहर निकल गया था। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में कुछ नहीं, आज मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपसे। वैसे मुझे पता है आप सब लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा समझदार और मेरे से काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लाइक। आज मैं लाइक के लिए आपको बोल दिया, आज आप वीडियो को लाइक मत करना, कुछ मत करना, लेकिन जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे उनको फॉलो कर देना प्लीज़। मैं ये फर्स्ट नंबर की रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये दिवाली है तो मुझे पता है कि ये फायर वर्क्स यानी फटाकों का त्यौहार है, तो आपसे मैं से आप भी छोड़ोगे फटाके, मैं भी छोड़ूंगा, लेकिन फटाके आप वो ही जलाओ जिनसे हमारे वातावरण को नुकसान ना हो, वातावरण में वायु प्रदूषण ना हो और वातावरण स्वस्थ रहे। अगर आप जो खतरनाक जो मतलब हानिकारक होते हैं अपने वातावरण के लिए वो फटाके जलाओगे तो अपना वातावरण प्रदूषित हो सकता है। बस मुझे पता है आपसे में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये फायर वर्क्स का मतलब फटाकों का तो त्यौहार है, फटाके नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, फटाके आप भी जलाओगे और मैं भी जलाऊंगा, लेकिन वो फटाके मैं बिल्कुल नहीं जलाऊंगा जिससे हमारे वातावरण को नुकसान हो और वातावरण प्रदूषण फैले। फटाके वो जलाओ जो अपने वातावरण को स्वच्छ रखे और वातावरण को उससे कोई हानि ना। और दूसरे नंबर की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस दिवाली पे अपने होम डेकोरेशन करने के लिए चाइनीज आइटमों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि चाइना हमारे भारत को बहुत बड़ी नुकसान पहुँचा रहा है, भारत की तरफ भारत का मतलब भारत का साथ नहीं दे रहा है, मतलब किसी भी रूप से मान लो, लेकिन आप चाइना के इस चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। लाइटिंग का त्यौहार है तो इतनी ही लाइट करें जो भारतीय प्राकृतिक भारतीय संस्कृति की हो, भारतीय मतलब भारत की बनी हुई हो, उस लाइट का आप इस्तेमाल करें। और तीसरी और सबसे लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के मतलब हमारी भारतीय सेना है, उसके भाई जो हमारे फौजी भाई है, वो आज कई भाई है जो दिवाली पर घर पे नहीं आ सके, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो प्लीज़ उनके नाम का एक दीपक जला देना। दीपक आप जलाओगे तो एक दीपक उनका नाम के जला देना फ्रेंड्स। तो आपसे मैं तीन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे से समझदार हो, मेरे से ज़्यादा शिक्षित हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ इनको फॉलो कर देना। और अब आपको मैंने ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ तो प्लीज़ फॉलो दिस रिक्वेस्ट। आप मेरे से बड़े हो, छोटे भी हो, लेकिन शिक्षित हो, मेरे से इंटेलिजेंट हो, मैं सब जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ इन तीन चीज़ों का ध्यान विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और आप हम मैं वीडियो की बात कर लेता हूँ, तो आज का वीडियो आ गया, आप कल भी वीडियो नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, अब भैया दो के बाद वीडियो आएगा, हो सकता है बीच में वीडियो आ भी सकता है फ्रेंड्स। बस आज के वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं था, बस कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दिवाली त्यौहार आपके लिए बहुत ही मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी में हर खुशी प्रदान करे, और इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।